नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे एंड्रॉयड फ़ोन का नॉर्मल स्क्रीन और ये है उसी फ़ोन का कंप्यूटर लुक वाला स्क्रीन। आप देख सकते हैं इसका लुक बिल्कुल बदल गया है। और दोस्तों, फ़ोन को रोटेट करने के बाद आपका फ़ोन का स्क्रीन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ ये जो विंडोज़ का लोगो नज़र आ रहा है लेफ़्ट कॉर्नर में, यहाँ आपको आपके सारे एप्लीकेशन कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको आपके कॉन्टैक्ट्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगे और बिल्कुल राइट में आप क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स नज़र आएंगे और बीच से जब आप लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको सेटिंग्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। वैसे ही राइट से लेफ़्ट की तरफ आप स्वाइप करेंगे तो आपको विजिट्स ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। वैसे ही जब आप इस माई पीसी वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने फ़ोन के इंटरनल मेमोरी के डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक वैसे ही माई पीसी पे अगर आप थोड़ी देर टैप करके रखेंगे और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो अपने फ़ोन के हार्डवेयर के डिटेल्स को आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका लुक बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है और आपको लगेगा कि आप अपने हाथों में कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर में कैसे बदलें। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि अपने Android मोबाइल फ़ोन को बहुत ही आसानी से कंप्यूटर बनाइए या लैपटॉप बनाइए, और उसके बाद वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक्स देते हैं जहाँ से अगर आप उन एप्लीकेशंस या APK फाइल्स को डाउनलोड करेंगे तो उससे आपके एंड्रॉयड फ़ोन की सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है, कई तरह के वायरसेस आ सकते हैं और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी APK फाइल या किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड न करें। हमेशा अपने एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर या फिर किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर PC में काफ़ी फ़र्क है। लैपटॉप या कंप्यूटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और एंड्रॉयड जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को विंडोज़ लैपटॉप या विंडोज़ PC में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि किसी एप्लीकेशन या लॉन्चर की मदद से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन की तरह दिखा सकते हैं, वैसा आप फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आप एक लैपटॉप चला रहे हैं लेकिन वो सचमुच में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को लैपटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप PC स्क्रीन की तरह कैसे बनाएं। दोस्तों, अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर का लुक देने के लिए अपना गूगल प्ले स्टोर खोलिए और वहाँ टाइप कीजिए कंप्यूटर लॉन्चर। तो ये जो दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कंप्यूटर लॉन्चर, इसे आपको इंस्टॉल करना है। इसकी रेटिंग आप यहाँ देख सकते हैं, 4.7 की रेटिंग है आउट ऑफ 3000 रिव्यूज़ और इसकी डाउनलोड्स है ऑलमोस्ट 100K से ज़्यादा। तो इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं अभी इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपका ये लॉन्चर स्टार्ट हो जाएगा और आपके एंड्रॉयड मोबाइल का स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह दिख रहा है। आपके एप्लीकेशंस यहाँ इस तरह से नज़र आएंगे, आपके सारे आइकॉन्स चेंज हो जाएंगे, आपका कॉन्टैक्ट्स कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ आपके सेटिंग्स नज़र आएंगे, राइट में क्लिक करेंगे तो ये आपका कुछ सेटिंग्स नज़र आएगा। और दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन को रोटेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह दिख रहा है। यहाँ इस विंडोज़ वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सारे एप्लीकेशंस यहाँ नज़र आएंगे। आप इनमें से किसी को भी ओपन करके नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। और यहाँ आपको कॉन्टैक्ट्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। इसके अलावा बिल्कुल राइट में क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स नज़र आएंगे। यहाँ आपको एक दिस PC का आइकॉन नज़र आएगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन के इंटरनल मेमोरी के डिटेल्स देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ बीच में थोड़ी देर प्रेस करके यहाँ कुछ ऑप्शंस आएंगे तो आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन या क्रिएट ए फोल्डर। जैसे कि एक फ़ोल्डर हम बनाते हैं, यहाँ पर फोल्डर का नाम दे देते हैं XYZ।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये फोल्डर आप देख सकते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे आ गया है। वैसे ही जब आप इस दिस पीसी वाले आइकॉन को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, जैसे कि ओपन, रिमूव, प्रॉपर्टीज़। जब आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके फ़ोन के हार्डवेयर के डिटेल्स यहाँ नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, इंस्टॉल्ड मेमोरी एंड्रॉयड वर्सन 8.1, मॉडल रेडमी नोट 5 प्रो, रिजोल्यूशन दिस, बैटरी 4000 mAh, स्क्रीन साइज 5.99 एक्सेट्रा। इसी तरह से जब आप बीच से राइट स्वाइप करेंगे तो आपको सेटिंग्स नज़र आएंगे, वाईफाई, एयरप्लेन मोड, ब्लूटूथ मोड, फ्लैश लाइट, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग आइकॉन्स नज़र आएंगे, जैसे कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ आपको मैसेजिंग के लिए ऐप्स नज़र आ आइकॉन नज़र आ रहा है। दोस्तों आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बीच में जब आप प्रेस करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप चाहें तो वॉलपेपर, थीम, कलर्स, ऐड विजेट, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ कलर सेलेक्ट करते हैं, सपोज ग्रीन सेलेक्ट कर, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा स्क्रीन ग्रीन हो गया है। वैसे ही हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि रेड, तो ये आप देख सकते हैं ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। वैसे ही हम करते हैं ब्लू, तो ये आप देख सकते हैं सारा कुछ ब्लू हो गया है। येलो करके देखते हैं, ये देखिए आप सारा कुछ येलो हो गया है। आप चाहें तो अलग अलग तरह के थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि इस ऑप्शन में जाएंगे थीम वाले आइकॉन पे, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस नज़र आएंगे, जैसे कि पॉपुलर, न्यू, ऑल। तो जैसे कि पॉपुलर में जाते हैं, यहाँ न्यू में मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है Windows 7 थीम, तो अब आप देखिए इसमें Windows 7 का थीम लग गया है। तो ऐसे ही आप अलग अलग थीम लगा सकते हैं, अलग अलग कलर्स चेंज कर सकते हैं बीच में क्लिक करके, और इस तरह से आप इस लॉन्चर की मदद से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में विंडोज़ का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये एप्लीकेशन और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।